स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद शहजाद न्यू आईडी डिपार्टमेंट से। आज हमने पढ़ना है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? वो सादा कंडीशंस को मज़ीद पेचीदा बनाने में मदद देते हैं। बेसिक में या हमारे जनरल बेसिक में क्या होते हैं, तीन तरह के क्या होते हैं हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं। पहला हमारे पास है एंड ऑपरेटर, दूसरा है और तीसरा हमारे पास नॉट ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर किस तरह से काम करता है? हमारे पास होती है दो कंडीशन। इसमें यह कि अगर दोनों कंडीशन हमारे पास ट्रू है यानी ठीक है तो रिजल्ट हमारा दोस्त होगा, अदरवाइज क्या होगा हमारे कंडीशंस या रिजल्ट हमारा फॉल्स होगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये कंडीशन भी ठीक है और ये भी क्लियर तो रिजल्ट हमारा क्या है, ट्रू है। अगर एक हमारे पास कंडीशन ट्रू है दूसरी फॉल्स है तो रिजल्ट हमारा फॉल्स होगा। अगर इसी तरीके से हमारे पास कंडीशन का एक है फॉल्स ट्रू रिजल्ट हमारा आएगा फॉल्स, तीसरा फोर हमारे पास है फॉल्स और उसके बाद फॉल्स तो रिजल्ट हमारा क्या फॉल्स। कहने से ये मतलब एंड कंडीशन उस वक्त काम करते हैं जब दोनों कंडीशन हमारे पास क्या हो दुरुस्त हो तो रिजल्ट हमारा ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा फॉल्स होगा। दूसरी हमारे पास कंडीशंस या ऑपरेटर हमारे पास है वो है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में ये होते हैं दो कंडीशन से किसी एक का दुरुस्त होना लाजमी है। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमारे पास है एक है ट्री दूसरा टी है तो रिजल्ट हमारा टी होगा। अगर एक हमारा टी है दूसरा एफ है तो रिजल्ट हमारा टी में आएगा। अगर एक एफ है दूसरा टी है तो रिजल्ट हमारा टी में आएगा। अगर एक एफ है तो दूसरा एफ है तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, एफ होगा, फॉल्स होगा। तीसरा हमारे पास है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर किसी एक ऑपरेटर के उलट काम करता है। मिसाल के तौर पे अगर हम उसे लॉग करते हैं एंड ऑपरेटर पे या नॉट ऑपरेटर पे, अगर मिसाल के तौर पे अगर हमारा रिजल्ट ट्रू है तो वो फॉल्स हो जाएगा, अगर हमारे पास फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। आपने क्या करना है, ये जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है आपने क्या करना है, ये पूरा शुरू से लेकर विद टेबल्स के साथ हमने क्या करना है, ये कंप्लीट करना है और ये टेबल भी हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ओके ओके।